अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 जून 2020 की बड़ी अपडेट्स में। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा मित्र वर्सेस चयनित छात्र। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट्स में हम बात करेंगे जो छात्र चयनित नहीं है मतलब अचयनित और फेल छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है इस वीडियो में। और देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द होने की कितनी उम्मीद है उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या सेकंड काउंसलिंग होगी, यस या नो, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक और दोस्तों बड़ी अपडेट से हम बात कर लेते हैं आज। एक दोस्तों बहुत ही अहम सुनवाई कोर्ट में लगी हुई है। और दोस्तों क्या सुनवाई होगी आज कोर्ट में, जरा इसको हम देखते हैं। देखिए 69,000 भर्ती में अनियमितता, भ्रष्टाचार, सीबीआई जांच, परीक्षा निरस्त संबंधी याचिका की सुनवाई कल नहीं दोस्तों, आज है फिलहाल। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर कल की जगह आज कर दीजिए। तो दोस्तों आज सबसे बड़ी सुनवाई होने वाली 69,000 शिक्षक भर्ती में। देखिए दोस्तों ये कॉल लिस्ट जारी हो चुकी थी, केस भी लिस्टेड है। पूरी अपडेट्स को दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और चलिए दोस्तों एक एक करके आज की सारी अपडेट्स को हम देखते हैं। एक और अपडेट्स में दोस्तों बात करते हैं शिक्षक भर्ती में। डायरी में मिले चयनितों के नाम में 16 आरक्षित वर्ग के होगी पूछताछ। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी सफेदपोश के घर में तो नहीं छिपे हैं आरोपी। जी हाँ दोस्तों, आरोपी मिल नहीं रहे हैं तो उनकी छानबीन चल रही है। उसके बाद गलती सुधार के मौके से छूटे शिक्षा मित्रों को चयन सूची में मिलेगी जगह। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है। ये अपडेट किस लिए बड़ी हो जाती है ना, जो छात्र उम्मीद कर रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग होगी। एक और अपडेट में बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में अंक सुधार के लिए चयनितों को देना होगा शपथ पत्र। तो दोस्तों मतलब जो छात्र अंकों में भी गलती किए तो उनको भी शपथ पत्र से मतलब काम चल जाएगा। फिर दोस्तों सवाल खड़ा होता है क्या सेकंड काउंसलिंग होगी। ठीक है, उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में सेटिंग का एक अन्य वीडियो भी हुआ था वायरल, उसको भी इस वीडियो में हम देखेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों आप एक चीज समझ गए होंगे, 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्रों को मौका दे दिया गया, एनओसी वाला मामला कोर्ट ने निपटा दिया। उसके बाद दोस्तों जो छात्रों ने गलती की थी फॉर्म भरते समय, मतलब दोस्तों विज्ञप्ति में लिखा था किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बच्चों को राहत दी गई, छात्रों को राहत मिल गई। कुल मिलाकर दोस्तों ये बात समझ लीजिए सेकंड काउंसलिंग उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, ना के बराबर मतलब बहुत ही कम उम्मीद है कि आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी। क्योंकि दोस्तों जो 67,687 छात्रों का मतलब चयन हो गया है 69,000 में, चयन सूची में जिनका नाम है उनका नाम तो हटेगा नहीं, एक्स्ट्रा बच्चे और ऐड हो सकते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। तो मतलब जो छात्र उम्मीद कर रहे थे कि यार हमारा एक आधा गुणांक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो उनको मौका मिलेगा, उनके लिए दोस्त इसीलिए हम कह रहे थे बड़ी अपडेट से। कुल मिला के दोस्तों मौका आपको कैसे बनेगा, एमआरसी वाला दोस्तों जो मुद्दा कोर्ट में है उसको लेकर दोस्तों आप परीक्षा रद्द करा के दोबारा पेपर हो तो आपका मौका बनेगा। ठीक है, जो छात्र अचयनित है फेल है उनका दोस्तों अब एक एम होना चाहिए, सिर्फ एक लक्ष्य, क्या दोस्तों, या तो परीक्षा रद्द हो या एमआरसी मुद्दा दोस्तों, तभी उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब ये सोचेंगे कि सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा तो ये बहुत ही कम उम्मीद है, क्योंकि 68,500 वाले शिक्षक भर्ती के जो छात्र हैं वो सीट अपनी छोड़ने वाले नहीं है। उसके बाद काफी बड़ी संख्या में जो छात्रों ने गलतियां की थी, भारांक वारांक या जो भी कुछ भी गलतियां हुई थी उनको भी मौका दे दिया गया। हाँ लेकिन अभी बाहर एक छात्र होंगे, वो सिर्फ दोस्तों बीटीसी 2015 के बैच के छात्र जिनका बैक लगा था ना उस समय, बैक पेपर वाले थे, वो बाहर होंगे और सभी छात्रों को तकरीबन मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारी अपडेट्स को हम आज की देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज जो सुनवाई होगी इसको जरा देखते हैं। बंटी पांडे की तरफ से अपडेट आई है कि आप सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ भर्ती में हुई धांधली वाले केस की सुनवाई 19 जून को अधिक केस होने के कारण नहीं हो पाई थी, अतः उसी क्रम में यह केस 2985/3/2020 पुनः बैकलॉग प्रेस केस में लिस्ट 22/6/2020 को जस्टिस आलोक माथुर सर की बेंच में कोर्ट नंबर 26 में सीरियल संख्या 94 पर लगाए, जिसकी सुनवाई की संभावना आज, मतलब ठीक है कल का मतलब आज है, आज लंच के बाद होने की प्रबल संभावना है। पूरे उत्तर प्रदेश की निकाय इसी केस पर टिकी होंगी। ठीक है, जहां कल लिखा हुआ दोस्तों आज समझ लीजिए, तो यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है। तो आज दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती लंच के बाद तैयार हो जाएगी दोस्तों, भर्ती परीक्षा निरस्त होगी या नहीं, ये दोस्तों अपडेट हर उन छात्रों के लिए बड़ी होगी जो छात्र असफल हैं, जिनका नाम चयन लिस्ट में नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग जो वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों, क्या वीडियो वायरल हुआ था जरा इसको देखते हैं हम लोग। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में रुपए लेकर पास कराने की बात की संबंधी ऑडियो मिलने के बाद एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। वैसे यह परीक्षा में सेटिंग चलने के आरोपों से संबंधित इकलौता ऑडियो नहीं है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद एक और ऐसा ही ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
इसमें एक व्यक्ति किसी चयनित अभ्यर्थी से बात करते हुए सुनाई पड़ रहा था। खास बात यह है कि 140 नंबर पाकर सफल हुआ अभ्यर्थी बातचीत में जुगाड़ से परीक्षा पास करने की बात भी कबूलता सुनाई पड़ता है। दूसरे व्यक्ति ने जब उससे यह पूछा कि उसने परीक्षा पास करने के लिए कितने रुपए दिए, तो मतलब कहता हुआ सुनाई देता है कि इस बारे में चाचा ही बता पाएंगे। तो मतलब दोस्तों सेटिंग चाचा जी ने की है, कुछ ऐसी बातें समझ में आ रही होगी आपको। हालांकि वह चाचा का नाम नहीं बताता, अभ्यर्थी यह भी कहता सुनाई पड़ता है कि परीक्षा में उसकी बहन भी सफल हुई है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जिस अभ्यर्थी की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था, उसका नाम शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने वाले गिरोह के सदस्यों से मिली डायरी में भी लिखा है। यह भी दोस्तों कहा जा रहा है कि उससे पूछताछ हुई तो कई अहम बातें सामने आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों जब इतने ज्यादा प्रूफ मिल रहे हैं तो भर्ती परीक्षा मतलब दोस्तों रद्द भी हो सकती है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो जो 16 छात्र थे आरक्षित वर्ग के, उनसे होगी पूछताछ। डायरी में दोस्तों जिन जिन छात्रों का नाम है वो तैयार हो जाए। उसके बाद देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी सफेद पोश के घर में तो नहीं छिपे हैं आरोपी, ये अपडेट जरूरी है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठने लगे हैं। चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या स्कूल प्रबंधक समेत अन्य आरोपियों को किसी सफेद पोश ने तो शरण नहीं दी है, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी में लगे एसटीएफ को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। शिक्षक भर्ती के आरोपी राजनीति से भी जुड़े हैं। जेल भेजा गया आरोपी डॉक्टर कृष्णलाल पटेल जिला पंचायत सदस्य रह चुका है। वही फरार आरोपी स्कूल प्रबंधक चंद्रपाल यादव ने भी गिरफ्तारी से पहले तक अपने पोस्टर शहर में चस्पा किए थे। जमानत पर छूटने के बाद ही चंद्रमा यादव की सहायक शिक्षक भर्ती में तलाश शुरू हो गई। भदोही का मायापति दुबे पहले से ही मतलब फरार है। सभी के मोबाइल नंबर एसटीएफ के पास मौजूद है। सर्विलांस से उनकी लोकेशन ली गई, लेकिन कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिला। अब दोस्तों यह चर्चा शुरू हो गई कि आरोपियों ने कहीं ऐसी जगहों पर शरण ली है जहां तक पुलिस और एसटीएफ की पहुंच ही नहीं है। यह भी दोस्तों पता नहीं चल पा रहा है कि किसने उन्हें शरण दी है। एसटीएफ कोर्ट के आदेश पर फरार आरोपियों के खिलाफ दोस्तों मतलब जांच बात तो चल रही है, देखते हैं क्या होता है। तो इनके खिलाफ दोस्तों कार्रवाई करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए गलती सुधार के मौके से छूटे शिक्षा मित्रों को चयन सूची में मिलेगी जगह, ये बड़ी अपडेट है। ऐसे ही जन्म तारीख में सुधार होने पर चयन की आयु सीमा का उल्लंघन न हो, इस पर समिति की निगाह रहेगी। यदि अभ्यर्थी ने गलती से विशेष चयन की सीटों पर दावा किया था और वह दुरुस्त होता है तो संबंधित वर्ग में चयन के लिए विचार किया जाएगा। ऐसे ही कई शिक्षा मित्रों ने दूसरे कॉलम को गलती से चुना, जिससे उनका वेटेज अंक न मिलने से चयन नहीं हो सका। अब वे भी गलती सुधार कर चयनित हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तो बड़ी अपडेट्स हैं। वही दोस्तों हम बातें कर रहे थे कि सेकंड काउंसलिंग की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। अब देखिए एक और अपडेट, 69,000 शिक्षक भर्ती में अंक सुधार के लिए चयनितों को देना होगा शपथ पत्र। 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनितों को आवेदन पत्र की गलतियां सुधारने का अवसर मिल गया है। इन अभ्यर्थियों को जिला चयन समिति को शपथ पत्र देना होगा। वही अंक बदलने से उनका जिला आवंटन भी बदल सकता है। काउंसलिंग शुरू होने पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए आदेश भी जारी करेंगे। परिषदीय स्कूलों के सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थी लंबे समय से आवेदन पत्र में प्राप्तांक व पूर्णांक आदि में संशोधन के लिए अवसर की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि लिखित परीक्षा के लिए आवेदन करते समय गलती से अंकन गलत हो गया है, वह दुरुस्त न होने पर काउंसलिंग में से मतलब वो चयन से बाहर हो जाएंगे। परिषद ने ऑनलाइन संशोधन का मौका नहीं दिया तो हाई कोर्ट की शरण ली गई। कोर्ट ने जिला चयन समिति को इसका संज्ञान लेने का आदेश दिया है। 68,500 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को संशोधन का अवसर कोर्ट से ही मिला था। 2018 में राजेश गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी व तीन दोस्तों अन्य केस में कोर्ट के आदेश मतलब कोर्ट ने आदेश दिया था, तब तत्कालीन ठीक है सचिव रूबी सिंह ने जिला चयन समितियों को आदेश दिया था कि वह पूर्णांक और प्राप्तांक में बदलाव से यदि मेरिट प्रभावित होती तो उसका असर जिला आवंटन पर पड़ेगा, इसलिए संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण भरे गए अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को जिला आवंटित किया गया है। प्रविष्टि सही होने पर यदि जिला आवंटन बदलता है तो उसे स्वीकार होगा। अभ्यर्थी को यह भी शपथ पत्र देना होगा कि जिस जिले में उसकी काउंसलिंग हुई है इससे इतर किसी अन्य जिले में नियुक्ति के लिए दावा नहीं करेगा। परिषद सचिव काउंसलिंग शुरू होने पर आदेश जारी कर सकते हैं। तो दोस्त ये सब बड़ी अपडेट से 69,000 शिक्षक भर्ती में ये बात आप समझ में आ रही होगी कि अब सेकंड काउंसलिंग की दोस्तों जो उम्मीदें थी तकरीबन तकरीबन वो खत्म और कम होती जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनको नौकरी मिल गई, जिनका नाम चयन लिस्ट में है, अब वो छात्र नौकरी करते हुए दिखाई देंगे, मतलब 6767। जी हाँ दोस्तों, इन छात्रों की तो भाई अब लॉटरी है, गलती भी किया तो भी नौकरी मिलेगी। अब वही 200 छात्र बाहर होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती थे जिनका नाम चयन सूची में नहीं था। तो
अब दोस्तों क्या होगा, आप देखिए आपके पास क्या उम्मीदें हैं। देखिए सिंपल सी बात, अगर आप चयन लिस्ट में आपका नाम नहीं है, अचयनित छात्र हैं और फेल छात्र हैं, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको फायदा तभी होगा, या तो शिक्षक भर्ती रद्द हो जाए, ठीक है, या दोस्तों एमआरसी वाला जो मुद्दा है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, एससी कैटेगरी के छात्र हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन जनरल के आप छात्र हैं तो आपकी उम्मीद तकरीबन तकरीबन अब खत्म सी है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और हाँ, आज दोस्तों जो कोर्ट में सुनवाई होने वाली है वो बहुत ही जबरदस्त होगी, उसके लिए दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पहले रेड वाली बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को शेयर करना ना भूले, ठीक है, वीडियो को शेयर करिए। अचयनित छात्र और फेल छात्र को दोस्तों ये बात अब पता होनी चाहिए कि सेकंड काउंसलिंग जैसी दोस्तों जो बातें हैं वो फिजूल की हैं, क्योंकि दोस्तों अब आपको आगे का देखना है कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।